हम जैसे ही हिंदी बोल रहे ना तो इतना सीरियस हो जाते हैं ना, और अपना मराठी बोलने के बाद फुल चिल। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, ये वाले व्लॉग में हम जाने वाले हैं महाड़, और महाड़ में घूमेंगे, तो बस थोड़ा सा ही एक्सप्लोर वगैरह करके आते हैं वहाँ पर। मैं तो यार यहाँ पर इतने दिनों से रहा हूँ ना, बट यार वहाँ पर जाने के लिए टाइम नहीं मिलता था, तो फिलहाल मस्त टाइम तो है ऑलरेडी अपने पास। और कल से मतलब सारा काम मैंने कॉलेज का कर दिया, मतलब रिपोर्ट वगैरह, प्रेजेंटेशन, सब कुछ बना दिया, तो आज का दिन अपने के लिए पूरा का पूरा फ्री था, तो इसकी वजह से आज जाते बाहर घूम कर आते। और बाय द वे, बाहर का मौसम देखो, जो धूप है ना पूरी कम हो चुके है, तो इसी वजह से मैं अभी निकल रहा हूँ। और अभी फिलहाल 5 बज रहे, तो निकलते जल्दी। और वहाँ जाने के लिए मुझे लगता है ऑलमोस्ट आधा घंटा तो लगेगा। स्टैचू वगैरह वहाँ पर बहुत फेमस है महाड़ के, तो वो भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे, तो चलते हैं। तो चलिए गाइस, मैं तो अभी घर से निकल चुका हूँ, तो अभी यहाँ से बस पकड़ दे। बस मीन्स यहाँ पर ST मिलती है। महाड़ के अंदर जाने के बाद आपको तो पता ही, आप एक दोस्त करण, तो उससे मिलेंगे और उसके साथ ही घूमेंगे। जाने से पहले थोड़ा सा पैसा भी निकाल लेते हैं, क्योंकि पैसा वो भी लगेगा, कैश की भी जरूरत पड़ेगी, तो इसकी वजह से मुझे कैश ही लेना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर हर जगह ऑनलाइन सेवा उपलब्ध नहीं है। और यहाँ पे आने के बाद मैं आपको ये बात बताता हूँ कि यहाँ पे आपको ATM कहाँ पे मिलेगा। लोनेरे के अंदर, लोनेरे से आपको गोरेगांव जाने के लिए जो रास्ता मिलता है ना, उसके ठीक सामने आपको SBI का ATM मिलेगा। और करण भाई, सब बढ़िया? सब बढ़िया, तुम्हारा? एकदम बढ़िया। देख, सो गाइस, वी फाइनली आ चुके छत्रपति शिवाजी महाराज चौक, जो कि अपने महाड़ में है। और मैं मतलब इस रास्ते से आया, और इस रास्ते से अगर जाओगे तो यहाँ पर आता है स्ट्रीट स्टैंड। छत्रपति शिवाजी महाराज चौक है ना, उसके बाजू में ही आपको एक उद्यान भी मिल जाता है, जहाँ पर मैं तो चिल मार सकते हैं ना बैठ कर। चिल बाबा चिल। तो देखते हैं, अगर शाम हो गई, मैं बराबर टाइम को तो आया हूँ ना, क्योंकि धूप भी नहीं है। अगर दोपहर में आते ना यार, बहुत हालत खराब होती है, लेकिन इसको पता होगा क्योंकि ये महाड़ में ही रहता है ना, तो अगर ट्रैवल करता है तो धूप कितनी लगती है भाई, हालत खराब हो जाती होगी यार। तो जाते हैं अभी, का मन नहीं करता। हाँ ना यार, इसलिए मैं तो यार जब धूप कम हुई ना तभी घर से निकला। तो पहले किधर जाने का बता अभी? अभी पहले जाएंगे उधर, जाएंगे स्टैचू की तरफ, बैठने के लिए जगह है उधर, सब लोग आते। वैसे तो तू रहता ही यहाँ पर है, तो दिन में कितनी बार जाता है उधर? क्या शाम को जाता हूँ। तो अभी आपको लग रहा है हम किस बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का मतलब स्टैचू है, तो वहाँ पर जाएंगे, थोड़ा सा बैठते हैं वहाँ पर। और मैं भी पहली बार आने वाला हूँ वहाँ पर, और अपने साथ है करण। तो अभी गाइस, यहाँ पर फाइनली आपने जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो स्टैचू है ना यहाँ पर, इसे क्या बोलते हैं, चौदार तळे, लोकाला पानी प्यायचा हक्क नव्हता मराठ्याच्या, त्याची इरित जरी पाणी पिलं आपण म्हणजे आपला हक्कच नव्हता, ते आपल्याला हल्ली हाणायचे नाही तर काही विसर द्यायचे, जे हे दुसरे समाज OBC SC दुसरे SC समाज, त्याच्यामुळे काय केलं की जे बाबासाहेब होते ते शिकून आले ना जेव्हा दुसऱ्या देशातून, त्याला कळालं की असं भेदभाव न करता सगळ्याला समान द्यायला पाहिजे, त्याच्यामुळे काय केलं की 1927 इथं आले होते ते, इथं येऊन त्यांनी एक मोर्चा केला की आम्ही का पाणी पिऊ शकत नाही, पाणी हे नैसर्गिक वस्तू आहे, तुम्ही आम्हाला घेऊ, पुढून भी घेऊ आम्ही। चौदार तळे कसं काय नाव पडलं पण? चौदार तळे, मग त्याच्यामुळे पाण्यात त्यांनी पहिल्या वेळेस त्यांनी पाण्याला हात लावला ना अस्पृश्यमध्ये त्यांनी। अच्छा, म्हणजे पहिला हात लावायची परवानगी नव्हती, पण त्यांच्यामुळे लावली। जो एंट्रन्स आहे ना, वहां से अगर अंदर आओगे ना, वहां से अंदर आते आते आपको सब कुछ इतिहास पता चल जाएगा। और यहाँ पर आने के बाद करण ने भी बहुत कुछ मुझे बता दिया। फिलहाल तो यहाँ पे पिकनिक आ चुके हैं, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। पूरा महीना मतलब यहाँ पे पिकनिक आते है, क्योंकि जगह ही वैसी है भाई, इतिहास इतना खतरनाक है। तो अब यहाँ पे रुकना है कि वीडियो निकालना? अभी हम आए थे वीडियो बनाने के लिए, बट यहाँ पर आ चुके हैं पिकनिक, जो कि छोटे बच्चे 7वीं से लेकर 10वीं तक सारे बच्चे आ चुके हैं। पर मुझे पता, पहले लड़कियाँ क्यों आ गया तेरे? वही रूल ही है, लेडीज फर्स्ट। मीरा नबी चा पास करागे तेज तुझे आपा।
सो गाइस अभी यहाँ पे जो जो लोग आए थे ना जो पिकनिक के लिए, देख सकते हो पूरी जो जगह है ना खाली हो चुकी है, और फिलहाल मतलब इतनी भर गई थी ना जगह, पूरा मतलब क्राउड हो चुका था। मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ पे पिकनिक वगैरह आती है, जो स्कूल के स्टूडेंट रहते हैं ना उनके मतलब फोटो वगैरह निकाल कर हो चुके, सारे लोग निकाल रहे थे। और ये जो जगह है ना देख सकते हो, यहाँ पे कुछ ऐसा तालाब है और तालाब के बीच में ही ये स्टैचू है, जो कि सच में यार इतना बढ़िया लग रहा है ना यहाँ पे आने के बाद, एकदम ऐसे शांत शांत वाइब आ रहे हैं यहाँ पे आने के बाद, थोड़ा घूमने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तुझे करण? मैं तो रोज आता हूँ, तुझे पता है। हाँ, तू तो यहाँ पे ही रहता है, ठीक से बैठ जाएगा पीछे, नहीं तो नहीं मैं नहीं जाता तो जाते अभी। मैं तो सिर्फ यार ये जो स्टैचू है ना वही देखने के लिए आया था, और बाकी सब चीज़ें दिखाने के लिए तो यार बहुत दिन है अपने पास, तो किसी और दिन भी आकर निकाल सकते हैं, बट फिलहाल आ चुके स्टैचू के यहाँ पर, और एकदम मस्त लग रहा है मुझे तो जाते वहाँ पर बैठते, थोड़ा सा व्लॉग वगैरह शूट करते मस्त। और अभी आप मस्त अपना सिनेमैटिक वगैरह वो चेक करो यार, कैसे मैं निकालता हूँ, और उसके बाद जाकर बैठते किसी और जगह और वहाँ पर मस्त व्लॉग बनाते, क्योंकि अभी तो कुछ काम नहीं है यार, बस व्लॉग ही तो बनाना है, तो जाते थोड़ा सा और घूमते फिर। और इनका मुझे नहीं पता कि कब खत्म होगा। किती दिवसाची पिकनिक आहे तुमची? तीन दिवसाची, दुसरा दिवस आहे का? आता ह्याच्यानंतर कुठे जाणार आहे? आता इथून प्रतापगडला, आता नाईटला जाऊ मुक्कामाला, आणि उद्या प्रताप। मुक्काम कुठे करणार? प्रतापगड, टेंथला आहे, नाईंथला आहे, बाकी सेवन, बाकी पहिला कन्फर्म करून घ्या कोण कोण कितीला आहे। सगळ्यांनी सबस्क्राइब करा, भावाच बोलतो। हाँ बाय बाय बाय। तो अभी गाइस यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 बज चुके हैं, मुझे तो गाइस यार अपने जो स्कूल के डे है ना वो सब याद आ रहे हैं, क्योंकि हमारी भी ऐसे पिकनिक जाती थी, बट इनकी जो पिकनिक है ना, जो तीन तीन दिन की पिकनिक है, मैंने इनसे पूछा, और जो हमारी पिकनिक थी ना वो मतलब वन नाइट की थी बस, मतलब कि आज जाओ और कल शाम को आओ। अभी यार मैं तो निकलता हूँ यहाँ से, क्योंकि यार यहाँ पर अभी कितना ही ब्लॉग बनाओ, और यहाँ पर इतनी भीड़ हो चुकी है ना, तो इसलिए मैं बच्चा, और ये देखिए यहाँ पे भी बच्चे आ गए, देख सकते पीछे की तरफ, यहाँ से तो निकल गए, और अभी जाकर मतलब ये जो तालाब है ना उसके पीछे की तरफ ही बैठने के लिए मस्त जगह है। सभी गाइस यहाँ पे आए थे हम, जो स्टैचू है ना उसके पीछे की तरफ ना बैठने के लिए मस्त जगह है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब कि ना पूरा मतलब यहाँ पे बैठने के लिए सिस्टम है, वहाँ पर घूमने के लिए सिस्टम है यार, इतना यहाँ पर ना मतलब पिकनिक के लिए लोग आते, सोचो आप कि यहाँ पे कितनी फेमस जगह हो गई है। जो कि यहाँ पर सामने की तरफ है अपने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उनका पुतला। यहाँ पे एक बस गई पिकनिक की, और यहाँ पे एक बस आई पिकनिक की, भाई साहब पिकनिक ही पिकनिक हो रही है आज तो यहाँ पे, पीछे से भी एक, और पीछे से भी एक बस और एक, और उसके पीछे से एक, अरे भाई चल फ्रेंकी खाते चल। और यहाँ पर फाइनली वापस आ चुके अपने छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पे। सो गाइस महाड़ में बहुत घूमने के बाद हम आ चुके हैं यहाँ पे शोरमा खाने के लिए, देख सकते हो, और ये जो शॉप है ना ये यहाँ की फेमस शॉप है, ऐसा करण बोल रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे रहता है, तो इसकी वजह से पता है, बड़ों की बातें सुननी चाहिए। बड़ा तो नहीं ऊपर पता है। हाँ, तो यहाँ पे है बॉम्बे बर्गर्स करके एक शॉप है, जो जहाँ पर आपको फ्रेंकी मिल जाएगी, रोल्स मिल जाएगी, चिकन पिज्ज़ा सब कुछ मिल जाएगा। और यहाँ पे हमने खाया है मस्त, अपना शोरमा मंगाया तो वो खाते हैं मस्त, और शॉप कुछ ऐसी है। फिलहाल ये इसका सेकंड फ्लोर है ना, ये इसका सेकंड फ्लोर है, और ग्राउंड फ्लोर पे भी मस्त अपनी जगह है बैठने के लिए, तो कुछ ऐसा यहाँ पे बैठ दे सकते हो, तो कुछ ऐसा यहाँ पे मस्त बैठने के लिए जगह है। मिलते हैं, खाना वगैरह करते हैं, और उसके बाद मैं यहाँ से निकलता हूँ जल्दी, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 8:30 बज रहे हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद खाना वगैरह खाने के बाद। सो अभी यहाँ पे है वेलनेस फॉर एवर, जो कि यार मेडिकल है, और ये दिन रात चालू रहता है ना, मतलब कि 24 आवर्स आपको सेवा मिल जाती है, जो कि सही है यार, ऐसा लोनेरे में भी नहीं, वो भी और मेडिकल मोस्टली दिन रात चालू रहते हैं। नहीं ये सो अभी यहाँ पे जो ये चौक है ना उसे बोलते हैं संत शिरोमणि रोहित दास चौक, जो कि अभी हम वहाँ पर खड़े, और यहाँ पर है वेलनेस फॉर एवर जो कि मेडिकल शॉप है, और अभी जाते हैं यहाँ से, मतलब रेस्ट स्टैंड का रास्ता यहाँ से। अच्छी लगी भाई महाड़ सिटी, अच्छा लगा बहुत दिनों के बाद कुछ तो बाहर घूमने के बाद, अच्छा तो मिलते हैं, चल हमसे मिल के क्या भाई, तुम तो रोज ही मिलते हो, चलो हाँ कल कॉलेज में आके, चल मिलते हैं, बाय बाय। सो गाइस फाइनली वी आर इन लोनेरे,
तो मुझे तो आने के लिए बहुत टाइम लगा यार, बिकॉज वहाँ पे है ना बस ही अवेलेबल नहीं थे, जो कि यार चिपरून को जाने की नहीं चिपरून से बोरीवली जाने की एक बस थी, मतलब कि एसी बस थी, उसमें आना पड़ा मुझे यार। और उसका टिकट जो था ना भाई, मतलब 10 से 20 रुपए ज़्यादा था उसका टिकट। तो फिलहाल तो आ चुके अपने लोनेरे में, और यहाँ पे तो ऑलमोस्ट सारे दुकान बंद हो चुके हैं, बट यार महाड़ में तो यार अभी भी मतलब बहुत सी दुकान जो है ना वो ऑन है, बट यार यहाँ पे क्या पता क्या है, मतलब बहुत जल्दी दुकान बंद हो जाता है यार यहाँ पे। सो अभी गाइस यहाँ पे ऑलमोस्ट रात के 12:40 हो रहे देख सकते हो, और ना अभी यार बाहर इतनी खतरनाक वाली ठंड है ना, मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं अच्छा हुआ कि जल्दी आ गया, वरना अभी आता ना, मतलब कि वहाँ से क्या हो रहा था ना, जो बस वगैरह है ना वो मिल ही नहीं रहे थे जल्दी जल्दी, तो इसलिए यार वो शिवशाही मिल गई यार, उसकी वजह से जल्दी आ गया, वरना यार रात में अगर लेट होता ना यार बहुत ठंड लगती है। और वैसे भी यार मैंने जो कपड़े पहने ना, मतलब कि ये जींस पैंट वगैरह पहने ना मैंने, तो इसकी वजह से ना ठंड कम लग रही है, वरना यार अपने नॉर्मल कपड़े पहनूंगा ना तो उससे ठंड ज्यादा लगती है यहाँ पे। तो फिलहाल बन रही है अपनी मैगी यहाँ पे देख सकते हो, और रात में बहुत दिनों के बाद मैं मैगी खाने वाला हूँ, मतलब कि यार बहुत कम ही मैगी खाता हूँ मैं, क्योंकि यार मैगी मुझे इतनी कुछ खास पसंद नहीं है। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, और यहाँ पे फाइनली मॉर्निंग भी हो चुकी है, और अपनी जो वीडियो थी ना आधी एडिट भी हो चुकी है, तो इस बात की मुझे भी बहुत खुशी है, क्योंकि यार मैं उसी चीज़ के लिए तो यहाँ पे आया था, वरना करण के रूम में ही मैं मतलब वहाँ पर स्टे कर लेता, बट बिकॉज ऑफ एडिटिंग यार, क्योंकि ना मैं चाहता हूँ कि जो वीडियो मैं बनाऊँ वो अगले दिन या उसके अगले दिन, मतलब कि यार एक दो दिन तो लग ही जाते हैं एडिटिंग करने के लिए, क्योंकि यार अपने पास तो कुछ मतलब खतरनाक तगड़े लेवल का सोर्स तो नहीं है, बस कुछ जुगाड़ करके ऐसे वैसे करके मतलब एडिट तो हो जाता है, एक दिन तो लग ही जाते हैं। अगर एडिटिंग की बात आए ना यार, तो मैं एक रात में एक वीडियो भी एडिट कर लूँ, बट यार उसके बाद मतलब उसके अगला दिन इतना थक जाता हूँ ना यार, रात इसकी वजह से आया, वरना मेरा कुछ आने का यहाँ पे मन भी नहीं था, बट बिकॉज ऑफ एडिटिंग मैं यहाँ पे आया। आधी एडिटिंग तो हो चुकी है, तो फिलहाल मैं अभी पूरी करता हूँ अपनी एडिटिंग, और वीडियो को समाप्त करने का टाइम आ चुका है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चुके यहाँ पे फ्रैंकी खाने के लिए, फ्रैंकी नहीं है शोरमा, सॉरी गलती होती है। सो अभी गाइस बहुत घूमने के बाद हम आ चुके हैं यहाँ पे, क्या है प्रोफेसर लोग, शोरमा बहुत दिन से नहीं खाया यार, इसकी वजह से इसे नाम लेने में तकलीफ हो रही है।